नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती राकोल सह्याद्री हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद की सावधानियों के बारे में। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में महिला को बहुत सारे सवाल उनके सामने खड़े होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पूरी केयर करनी है ताकि रिजल्ट अपना अच्छा आए, उनकी तरफ से कोई भी गलती ना हो। तो हम आज बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में आराम करना जरूरी है, कौन सा आहार लेना जरूरी है, यात्रा कर सकते हैं या नहीं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। गर्भ या एम्ब्रियो का आकार बस 0.1 to 0.2 मिलीमीटर इतना होता है। जब हम एम्ब्रियो को यूट्रस में या गर्भाशय में छोड़ते हैं, इसके बाद ये तुरंत उसके तरल या एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के अंदर चला जाता है और वहाँ उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो इसी वजह से आप अगर खड़े रहोगे, चलोगे, तो ये नीचे गिरने के चांसेस नहीं होते। तो इसी वजह से आपको पूरे कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको ख्याल रखना है ऐसी चीज़ों में जहाँ पर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि संबंध रखना या इंटरकोर्स रखना, जो कि अलाउड नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद का आहार कोई स्पेसिफिक नहीं होता। आप अपना नियमित आहार ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे मील्स 4 से 5 बार खाएं, क्योंकि हम जो दवाई देते हैं इससे एसिडिटी या ब्लोटिंग के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से आपको उपवास नहीं करना है, आपको सही तरीके से आपका आहार लेते रहना है। आप सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप नॉनवेज का भी सेवन कर सकते हो। आपको पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर आपने पानी अच्छे से नहीं पिया, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, उसके बाद आपको यूरिन इन्फेक्शंस और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दूसरे ही दिन आप अपने जॉब पे ज्वाइन हो सकते हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद रेस्ट की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप अपने घर में अगर सीढ़ियाँ होंगी तो चढ़ उतार आराम से कर सकते हो। आप शहर के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हो जॉब के लिए, तो वो भी आप आराम से कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे किसी को अगर इन्फेक्शन है उनसे दूर रहिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन ना हो। आप किसी भी क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड कीजिए, दूर का ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन के चांसेस होती है। और अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आपके रिजल्ट पे असर हो सकता है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप खुद से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कर सकते हो कि आपको अपनी दवाई सही तरीके से सही टाइम पे लेते रहना है, क्योंकि हम ये जो दवाई देते हैं ये हार्मोन्स की दवाई होती है, जो आपके इंद्रियों को या भ्रूण को डेवलप या इम्प्लांट होने में मदद करती है। तो आपके हाथ में ये है कि आप अपने मेडिसिन सही तरीके से लेते रहे, आहार सही तरीके से लेते रहे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारे महिला काउंटडाउन शुरू करती है, उनके दिमाग में स्ट्रेस या तनाव बढ़ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। वो सोचने लग जाती है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये आपके रिजल्ट के लिए सही नहीं है। तो आप स्ट्रेस रिलीफ जितना हो पाता है वो कीजिए। अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है तो वो आप कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। शराब का सेवन मना है। स्मोकिंग और स्मोकिंग करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। ये सब चीज़ें आप जब फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। आशा करती हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कि जो भी आपके दिमाग में सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।